अगली खबर देहरादून से है, जहां पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को कांग्रेस हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। हरक सिंह रावत को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उड़ीसा का ऑब्जर्वर बनाया गया है। हरक सिंह हरिद्वार से टिकट के दावेदारों में शुभार थे। हरक सिंह रावत ने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत को भी गंभीर संकट में डाल दिया है। अब हरक सिंह को उड़ीसा शिफ्ट करने के बाद हरिद्वार सीट से पूर्व सीएम हरीश रावत को साफ हो गया है। हालांकि कांग्रेस ने उत्तराखंड में अभी होने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। मुझे ऐसा लगता है चुनाव से ठीक पहले जिस तरह कांग्रेस ने उनको उड़ीसा में भेज दिया है, मुझे लगता है कांग्रेस भी उनको सीरियस नहीं ले रही है। और जिस तरीके से उनके ऊपर सीबीआई का ईडी का मुकदमा चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अब कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत का राजनीतिक पारी समाप्ति की ओर है। और ये हरक सिंह जी को भी सोचना चाहिए कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने उन्हें उड़ीसा क्यों भेज दिया, किस कारण से भेजा। और मुझे ऐसा लगता है उत्तराखंड में अब हरक सिंह रावत की पारी समाप्त।